के गेगल थाना इलाके के बेबाइटा गांव में एक झोला छाप चिकित्सक को दिखाने के बाद चार बच्चों की तबियत बिगड़ गई। उन्हें परिजन राजकीय यज्ञ नारायण जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर भर्ती किया है। सभी बच्चों की सर्दी जुकाम की दवा लेने के बाद उल्टियों की शिकायत हो गई। अजमेर के पुलिस लाइन स्थित अटल उद्यान में आज शिव जी की बारात निकाली गई, जिसमें भक्त जोश और उत्साह के साथ सम्मिलित हुए। आपको बता दें कि अटल उद्यान में शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज शिव जी की बारात निकाली गई है। शिव जी के विवाह के संदर्भ में इस बारात को विष्णु मंदिर में अटल उद्यान का निकली गई। इस बारात में जो झांकी थी वो जयपुर से आई है। शिव जी की इस बारात का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ, जिसमें भक्तों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अटल उद्यान पुलिस लाइन क्षेत्र में महिला मंडल व श्याम मित्र मंडल नया बाड़ा की ओर से शिव महापुराण का आयोजन किया गया। उसमें आज शिव जी की बारात का, आज शिव विवाह का आयोजन था। अतः उस प्रसंग के हिसाब से हमने शिव बारात विष्णु मंदिर से अटल उद्यान तक निकाली है, और ये झांकी जयपुर से झांकी वाले आए हैं, और बड़ी धूमधाम से बड़ी संख्या में पब्लिक ने उत्साह से भाग लिया, और जगह जगह फूलों की बारिश हुई है। भरतपुर के बयाना में पीडब्ल्यूडी ऑफिस कैंपस में स्थित सिद्धि विनायक गणेश मंदिर पर भक्त मंडल की ओर से फूल बंगला झांकी और अन्नकूट महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पंगत में बैठकर अन्नकूट प्रसाद ग्रहण किए। पीडब्ल्यूडी जेएन राम अवतार गुज्जर ने बताया कि हर वर्ष की तरह कार्यालय परिषद में स्थित मंदिर पर अनुकूल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1500 लोगों के लिए पकौड़ा, कढ़ी, बाजरा, मिक्स सब्जी और खीर की प्रसादी तैयार की गई। सुबह सामूहिक पूजा अर्चना के साथ प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी एक्सईएन गोविंद मीणा, एईएन दीपक कुमार और छैला बिहारी शर्मा, जेईएन राम अवतार कसाना, नगर पालिका पार्षद जीतू पटेल और दिनेश शर्मा, ठेकेदार पंकज जगरवाल, लखन शर्मा आदि कई लोग मौजूद रहे। आज क्या है गणेश जी की पूर्णिमा है हमारे कैंपस में, तो गणेश जी का भंडारा हर साल अपन करते हैं, गणेश जी और बालाजी का, तो उसी के लिए अन्नकूट का ये प्रसादी भंडारा है। उसमें हमने सभी लोगों को बुलाया है, अपने सारे स्टाफ को और आम जन को, बजरिया के आसपास हुए बयाना को ही हमने आमंत्रित किया है, सब आए और प्रसादी ने। कितने बाजरा, कितनी सब्जी, कितने किलो दूध है? 70 किलो करीबन बाजरा है, और सब्जी हमारी 125 किलो के करीब सब्जी है, और हमारी खीर भी 70 करीब कितनी है, 80 केजी हमारी खीर है। तो करीबन हम समझते हैं कि 1500-1600 आदमियों के लिए हमने किया। हमें रामेश्वर प्रसाद हलवाई अन्नकूट बनाने में माहिर, बयाना के अंदर बाहर कहीं नहीं करो। अजमेर के किशनगढ़ से शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां सिलोरा ट्रेचिंग ग्राउंड के कचरे के ढेर में नवजात का भ्रूण देख मौके पर सनसनी फैल गई। लाल कपड़े में लिपटे हुए नवजात की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने नवजात के भ्रूण को मर्चरी में रखवाया और अज्ञात कुमाता की तलाश में शुरू की। जैसलमेर के पोखरण में ड्राइवर की लापरवाही से खलासी की जान चली गई। ड्राइवर द्वारा बस को तेजी से पीछे लेते समय बस की डिक्की का गेट खलासी के ऊपर गिर गया, जिससे खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को तत्काल प्रभाव से अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृत युवक के शव को मर्चरी में रखवाया और मुकदमा दर्ज कर मौत के कारणों का पता लगाने में जुटे।